subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे natural gas का analysis for next week and also for next month also. Last trading session में natural gas बंद हुआ है 449 पे लगभग 1 रुपए gain के साथ. अगर हम यहाँ monthly chart पे देखेंगे तो last month हमने 31% का drop देखा है natural gas prices में. और यहाँ जो है तो एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में ऑलरेडी अभी मार्केट जा चुका है. हमने सुपर बुलिश लेवल देखे थे, वहाँ वोलेटिलिटी भी देखी थी और लगभग 750 के अराउंड का हाई देखा था और वहाँ से एक शार्प सेल ऑफ भी हम देख चुके हैं. तो अभी यहाँ जो है तो मार्केट जो है तो लॉन्ग टर्म करेक्शन में घुस चुका है और यहाँ 315 के लेवल जो है तो आ सकते हैं आने वाले दिनों में इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म. तो उसके तरफ हम जा रहे हैं. तो आप 315 और 250 के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऊपर के लेवल तरफ जो है तो 505 का रेजिस्टेंस रहेगा. नीचे जो है तो 430 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपको फिर से एक सेल ऑफ जो है तो ट्रिगर होते हुए दिखेगा. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे देखोगे लास्ट वीक हम जो है तो लगभग 7.6% डाउन बंद हुए हैं और ये तीसरा जो है तो सेल ऑफ का वीक था. उससे पहले हमने 10.5% का सेल ऑफ देखा था और उससे पहले लगभग 22% का सेल ऑफ नेचुरल गैस में देख चुके हैं. तो यहाँ एक लॉन्गर टर्म करेक्शन में घुस चुका है मार्केट. और यहाँ जो है तो जैसे हम 430 का लेवल तोड़ेंगे हमें जो है तो 315 का लेवल आते हुए दिखेगा इन नो टाइम. तो आपको 430 के नीचे जो है तो एक शॉर्ट बनाना है, स्विंग शॉर्ट बना सकते हो जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आपका बनेगा 315 से लेकर 275 के टारगेट आप नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर सकते हो. या फिर अगर बाउंस बैक आता है तो 505 के अराउंड आपको जो है तो नेचुरल गैस शॉर्ट करना है. आपका स्टॉप लॉस रहेगा 535 का और जो टारगेट सेम 315 और 275 के टारगेट आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए नेचुरल गैस में दिखेंगे. तो यहाँ क्लियर कट करेक्शन फेज में मार्केट है ऑलरेडी और ये आगे कंटिन्यू हो सकता है. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो यहाँ जो है तो हम 200 डेज का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं. ये जैसे ही टूटेगा आपको 430 और उसके बाद में 350 और 240 के लेवल जो है तो नेचुरल गैस दिखा सकता है. 240 नहीं मगर 275 के लेवल दिखा सकता है. 240 भी आ सकता है अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस रही तो. तो जैसे हम यहाँ जो है तो क्रिटिकल लेवल पे खड़े हैं, जैसे ये लेवल टूटेगा आपको जो है तो नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. तो आपको लगभग 440 के नीचे जो है तो डेली बेसिस पे जो है तो शॉर्ट जाना है. पहला छोटा टारगेट रहेगा 430, उसके बाद में 350 और उसके बाद में 315 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ जो है तो ब्रेकडाउन आता है तो आपको इस कैंडल के ऊपर तो 470 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और 440 के नीचे आपको जो है तो एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है अगर यहाँ सपोर्ट लेता है मार्केट. तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है जो बाउंस बैक इसको 550 के लेवल के तरफ लेकर जा सकता है. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर ये हो सकता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. अगर ये होता है तो आपको जो है तो नेक्स्ट शॉर्ट जो है तो वो मिलेगा 540-550 के अराउंड. तो यहाँ अगर आपके पास अभी शॉर्ट पोजीशन है तो उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और नया शॉर्ट में ओपन करने की सलाह दूंगा वो 440-430 के नीचे आपको जो है तो नए शॉर्ट ओपन करने चाहिए जिसमें आपके टारगेट जो है तो 350 और 315 के टारगेट आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल जाएंगे. सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको शोर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए तो आप मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको लाइव मार्केट सपोर्ट और फॉलोअप मिलेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.